ये नजारा टेक के मैनेजमेंट से ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर सरकार के रुख पर चर्चा होगी, साथ ही रियल मनी गेमिंग पर टैक्स को लेकर मैनेजमेंट से जानेंगे। इसके अलावा मार्जिन को लेकर कंपनी के आउटलुक पर भी बातचीत होगी। सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ ज्वाइंट एमडी नितिश मित्र सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और जहाँ तक ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की बात है, क्लैरिटी को लेकर शायद इंतज़ार होगा, बताएं क्या उम्मीदें हैं? या ये जीएसटी को लेके काफ़ी महीनों से मीटिंग्स चालू है जीएसटी काउंसिल की, और हमें लग रहा है कि कुछ आगे मीटिंग्स में काफ़ी क्लैरिटी आनी चाहिए कि जीएसटी क्या रेट पे लागू होएगा, कौन से वैल्यू पे लागू होएगा। नज़ारा के पर्सपेक्टिव से जितनी जल्दी ये क्लैरिटी एमर्ज होए वो हमारे लिए और इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। सो हम काफ़ी एंटिसिपेशन में वेट कर रहे हैं। आपकी उम्मीदें क्या हैं? क्या क्या चाहते हैं आप? क्या क्या होता हुआ देखना चाहते हैं? आई थिंक जैसे मैंने बोला, पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एकदम क्लैरिटी आनी चाहिए, एम्बिगुअस चीज़ें रहनी नहीं चाहिए। बिकॉज उसमें क्या होता है, हमारी जैसी कंपनीज को थोड़ा बैक सीट हो जाता है, एंड काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स सब इसका बेनिफिट उठा लेते हैं। सो क्लैरिटी इज़ प्राइमरी इम्पोर्टेंट। दूसरा, आप जीएसटी कौन से वैल्यू पे करेंगे, एक बैलेंस्ड अप्रोच रहनी चाहिए। ना तो ऐसा रेजोल्यूशन आना चाहिए जिससे इंडस्ट्री इटसेल्फ काम नहीं कर पाए। एट द सेम टाइम जो बैलेंस्ड अप्रोच है, जो सही टैक्सेशन है वो जरूर लगाना चाहिए। सो बैलेंस्ड अप्रोच एंड क्लैरिटी, ये दो चीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एक प्रपोजल गया हुआ है जहां पर आईटी रूल्स के तहत स्किल बेस्ड रियल मनी गेम्स को कवर करने की बात भी हो रही है। कैसा इम्पैक्ट आप इसका देखते हैं? और अगर हम न्यू प्लेयर रजिस्ट्रेशन ग्रोथ की बात करें तो क्या इस पर असर पड़ेगा? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, अधिग्रहण की बात करूँ, तो उसमें क्या इजाफा होता हुआ आप देखेंगे? जरूर, ये जो रेगुलेशंस का प्रपोजल है उससे ओवरऑल इंडस्ट्री को बेनिफिट होना चाहिए। बिकॉज इंडस्ट्री रिकग्नाइज हो रही है, एक गाइडलाइंस आ रहे हैं, एंड कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए भी काफ़ी चीज़ें प्रपोज हो रही है, केवाईसी हो रहा है। सो ओवरऑल आई थिंक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस के लिए ये काफ़ी अच्छा डायरेक्शन है। शॉर्ट टर्म में कुछ फ्रिक्शन आ सकता है, वो एग्जैक्ट गाइडलाइन रहेगी, उसके बाद ही हम लोग देख सकते हैं। पर ओवरऑल एटलीस्ट नज़ारा के पर्सपेक्टिव से हम लोग काफ़ी पॉजिटिव है कि ये इंडस्ट्री के लिए काफ़ी एक अच्छा स्टेप है। चलिए आपके मार्जिन्स की बात करते हैं जो आपने टारगेट बैठा रखा है। क्या आप ग्रोथ ओवर मार्जिन्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? और जिसकी वजह से अगर हम मार्जिन्स के टारगेट को लेकर सवाल पूछना चाहें तो आप क्या फिगर्स देंगे? जरूर, हमारा सोचना है कि गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में एक सनराइज इंडस्ट्री है, अगले 4-5 साल में बहुत ग्रोथ आने वाली है। और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि नज़ारा के सारे बिजनेसेस एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ चले। शॉर्ट टर्म इम्पोर्टेंट है, बट लॉन्गर टर्म विजन जो है और लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी जो है, मिड टू लॉन्ग टर्म, उसको प्रायोरिटाइज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ई स्पोर्ट्स देखिए तो एक बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है, उसमें नज़ारा इज द मार्केट लीडर विद ओवर 80% मार्केट शेयर। तो ऐसे जगह में हम लोग शॉर्ट टर्म में मार्जिन बनाने के लिए लॉन्ग टर्म का स्ट्रैटेजी छोड़ नहीं सकते, हमें मार्केट लीडरशिप बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमारा अप्रोच बैलेंस्ड अप्रोच है, हम ग्रोथ अग्रेसिव ग्रोथ के पीछे जा रहे हैं, बट नॉट इन लॉसेस, नॉट नॉट बाय बर्निंग मनी, बट बाय मेकिंग प्रॉफिट्स। सो प्रॉफिटेबल ग्रोथ बट प्रायोरिटाइजिंग ग्रोथ ओवर मार्जिन इज आर अप्रोच। हमारे ख्याल में सही अप्रोच है मीडियम टू लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए, और इसीलिए हम उस पर काफ़ी फोकस करके तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ये साल के अगर आप रिजल्ट्स देखिए तो फॉर द 9 months वी ग्रू बाय ऑलमोस्ट 80% ओवर द प्रीवियस ईयर। सो हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है। हमारा जो ई स्पोर्ट्स डिविजन है वो ये साल 9 months में 84% ग्रोथ हुआ। सो काफ़ी ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी है, स्ट्रेटेजिक एरियाज में अच्छी है, वाइल मेकिंग प्रॉफिट्स। सो वी आर क्वाइट हैप्पी विद दैट सिचुएशन।
नितेश, आपके एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो उनके स्केलिंग के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं और ये कौन कौन से अहम वर्टिकल्स हैं, इनके बारे में भी ज़रा बताइएगा। जरूर, हमारे एक तो गेमिफाइड लर्निंग वर्टिकल है जिसमें हम लोग यंग किड्स के लिए एडुकेशनल गेमिंग एप्स बनाते हैं जहाँ बच्चे इसे इंजॉय भी करें पर वो कुछ साथ साथ में सीखे भी। वो हमारा बिजनेस में दो प्रोडक्ट्स है, किडोपिया और एनिमल जैम, एंड बोथ हैव डन वेरी वेल। ईयर ऑन ईयर हमारा 26% ग्रोथ हुआ है, बट हमें लगता है कि आगे जाके इसमें और तेजी आएगी। जो हमारा ई स्पोर्ट्स वर्टिकल है जो मैंने अभी जिक्र करा था, उसमें ये साल हमारी 84% ग्रोथ आई है, वो काफ़ी अच्छा फास्ट ग्रोइंग है। और इंडिया में स्पोर्ट्स कैटेगरी में हमें लगता है कि अगले 3-4-5 साल में ई स्पोर्ट्स विल बिकम द नंबर 2 स्पोर्ट आफ्टर क्रिकेट, तो बहुत पोटेंशियल है उसमें, एंड उसमें हम लोग काफ़ी तेजी से ग्रोथ ले रहे हैं। इसके अलावा हमारा RMG जो रियल मनी गेमिंग है उसमें भी प्रेजेंस है, पर थोड़ा छोटा प्रेजेंस है। ओवरऑल रेवेन्यू में हमारा 5% कंट्रीब्यूशन आता है। एडटेक स्पेस में हम लोग हैं एंड हम गेम डेवलपमेंट भी करते हैं। सो वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप जो वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर क्रिकेट गेम है वो हमारे पोर्टफोलियो में है। सो ये सब बिजनेसेस हैं, बट गेमिफाइड अर्ली लर्निंग और ई स्पोर्ट्स आज के दिन ऑलमोस्ट 75% हमारी रेवेन्यूज ये दो वर्टिकल से आती है। और इसी ग्रोथ में अगर मैं आपके मर्जर एंड एक्विजिशन की फ़िलहाल स्टेटस समझना चाहूँ तो क्या कुछ एक्विजिशन हम आने वाली तिमाहियों में सुनेंगे, क्या इस पर कोई काम चल रहा है, कोई योजना? जरूर, अभी जो ग्लोबल मार्केट्स का सिचुएशन है, वैल्यूएशंस काफ़ी जगह कम है और इससे हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ रही है अच्छे वैल्यू पे भी। उन्हें हम काफ़ी डिटेल में बात कर रहे हैं, काफ़ी फोकस कर रहे हैं, एंड अगले कुछ आने वाले क्वार्टर्स में हम कुछ एक्शन जरूर लेंगे इस बेसिस पे टू ड्राइव इनऑर्गेनिक ग्रोथ एज वेल। नितेश, स्टार्टअप स्पेस में जिस तरह के हम फंडिंग विंटर की बात कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं, क्या इसको लेकर कोई चिंता? नहीं, नज़ारा के पर्सपेक्टिव से तो हम प्रॉफिटेबल कंपनी है, टेंजिबल पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहे सारे बिजनेसेस में, तो हमें इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट जैसे मैंने अभी बताया उससे हमारा एडवांटेज होता है क्योंकि हमें दूसरी कंपनीज हम अक्वायर कर सकते हैं अच्छे वैल्यू पे। स्टार्टअप विंटर में जो कंपनीज रियल मेट्रिक्स पे फोकस करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी रोड ड्राइव करेगी, वो सर्वाइव करेगी और आगे चल के काफ़ी स्ट्रॉन्गर भी बनेगी। तो मुझे लगता है कि एक टेम्प्रेरी फिनोमिनन है। इंडिया में स्टार्टअप्स का अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि अगले 5-10 साल में इंडिया विल बिकम स्टार्टअप नेशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड देयरफॉर ये खाली एक टेम्प्रेरी टर्बुलेंस है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल रेवेन्यू को लेकर यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एनालिस्ट लगभग 14% के रेवेन्यू CAGR की उम्मीद कर रहे हैं कि डोपिया में 14% अर्ली लर्निंग सेगमेंट में। क्या लगता है, क्या ये आंकड़े सटीक है? आई थिंक हमारे अर्ली लर्निंग सेगमेंट में अभी आगे के क्वार्टर्स में अच्छी तेजी से ग्रोथ आनी चाहिए। रेवेन्यू गाइडेंस FY23 के लिए 50 से बढ़ाकर 70 से 75 किया हुआ है और एबिटा अगर हम देखें, एबिटा मार्जिन की एक्सपेक्टेशन लगभग 10+ है, 12-13% के आसपास। क्या इसको आप रिवाइज करना चाहेंगे या इस गाइडेंस पर ही आप रहेंगे? नहीं, हमारा गाइडेंस जो हमने लास्ट गाइडेंस दिया हुआ था वो 70-75% ग्रोथ विद 10% मार्जिन, एंड वी आर ऑन ट्रैक विद दैट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाओं के बारे में हमसे बात की है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं स्वास्थ्य का के गिरीश